नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के एकमात्र भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वेलफेयर के नई और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के बोनस को लेकर आई ताज़ा खबर, दीपावली बोनस पर आई ताज़ा खबर। जी हाँ दोस्तों, 8 अक्टूबर 2020 को एक लेटेस्ट खबर निकल के सामने आ रही है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि आखिर बोनस को लेकर क्या ताज़ा खबर आई है। तो इससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट खबर आपको हमेशा मिलती रहेगी। दोस्तों, हमारी पहली और बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। बोनस के लिए सक्रिय हुए रेल कर्मी, कहा लॉकडाउन के 8 दिन का रेशो काट कर हो भुगतान। दोस्तों, केंद्र सरकार इस बार दीपावली का बोनस का भुगतान करेगी या नहीं करेगी, इस बात को लेकर केंद्रीय कर्मचारी संशय में है। दोस्तों, अगर सरकार चाहे तो मार्च 2020 से 31 तक 8 दिन का रेशो कम करके 76 दिन का बोनस रेल कर्मचारी को दे सकती हैं। वैसे पिछले वर्ष तक 78 दिन का भुगतान करीबन 18,000 रुपये हर कर्मचारी को किया गया है। जानकारी के मुताबिक रेलवे के 13 लाख रेल कर्मचारी को दीपावली के पहले बोनस मिलने का इंतज़ार है, लेकिन स्पष्ट तौर पर कोई भी बताने को तैयार नहीं है कि आखिर रेलवे कर्मचारियों को बोनस कब तक मिलेगा। वही दोस्तों, आपको बता दें कि बोनस को लेकर AIRF और NFIR के पदाधिकारी रेल मंत्री और बोर्ड से लगातार चर्चा कर रहे हैं कि आखिर केंद्रीय कर्मचारियों को बोनस कब तक दिया जाएगा। वहां से अभी तक कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। और दोस्तों, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, AIRF ऑल इंडिया रेलवे मैस फेडरेशन की ओर से द चेयरमैन CEO रेलवे बोर्ड नई दिल्ली को ये लेटर लिखा गया है 30 सितंबर 2020 को, और सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस फॉर द ईयर 2019-2022 द रेलवे मैन पेमेंट रिगार्डिंग। दोस्तों, इस लेटर के माध्यम से बताया गया कि अभी तक हमारे केंद्रीय कर्मचारियों को जो प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस है उसका भुगतान नहीं किया गया है। त्यौहारों का सीजन भी जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा है और हमारे कर्मचारी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस को लेकर इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब तक हमारा बोनस मिलेगा। तो रेलवे बोर्ड से ये रिक्वेस्ट किया गया है कि जल्दी से जल्दी हमारे केंद्रीय कर्मचारियों का जो बोनस है उसका भुगतान किया जाए। तो दोस्तों, ये थी बोनस को लेकर कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।